अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे तमाम प्यारे बहन भाई के लिए हमेशा यही दुआ होती है अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाला भी ज़िंदगी दे और सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो टाइम तकरीबन 6 का हो चुका है और कल भी हवा चली थी शाम को इस टाइम और आज भी, तो दो दिन से मौसम जो है वो कुछ बेहतर हो गया है, गर्मी कुछ कम हो गई है। कोहल की आवाज़ें पीछे आ रही है। दोपहर को भी थी, जब दिन को हम सोए थे ना बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी थी तब भी थी, अब शाम को भी आ रही, सुबह को भी होती है। तो अभी चलते हैं, बच्चों के खेलने की आवाज़ें भी आ रही हैं, सहन में ही खेल रहे हैं, आज सड़क पे कोई भी नहीं आया, अंदर ही खेल रहे हैं। तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें जो नए देखते हैं, वीडियो को लाइक भी क्या करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करें। तो आज एक ज़बरदस्त व्लॉग आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की होगी और आज की वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है। तो अभी मसाले का सारा सामान हमने देखे बना लिया है और आग जलाते हैं, फौरन जल्दी जल्दी बनाते हैं। अम्मी भी आ गई हैं, ये आटा गूंदेगी। माशाल्लाह से आग हमने जला ली है और देखिए अम्मी ने कहा है कि आज जो है ना जैसे मैं आपको कहूँगी वैसे ही आपने सालन बनाना है। तो टमाटर और सारा खुश्क मसाला तो वो हमने इकट्ठा ही डाल दिया है आज, ताकि प्याज और ये देखिए तूरिया आज हम बना रहे हैं तो ये बाद में डालेंगे। और अम्मी भी माशाल्लाह से आटा गूंद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम अम्मी कैसे ठंडा है ना, पसीना आज बिल्कुल नहीं आया और काम जो है आराम से हो रहा है। गर्मी जो है ना वो साले तो ये गर्मी है, इधर हवा अभी हवा चलना शुरू हो गई है, किचन में भी हवा लग रही है आज। तूरन डाल दूंगी, प्याज और हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो अभी क्या कर रहे हो? नहाने जा रहा। हाँ चलो जाओ, अब भी नलके पे जाना, नहा रहे हैं, घास कटो का करा करके जानवर को डाले पानी पिलाए। चलो से सालन जो है तैयार हो गया है और अभी सालन निकालते हैं और रोटियाँ बनाते हैं। तो अभी माशाल्लाह से अम्मी जो है वो तंदूरी पे रोटियाँ लगा रही हैं, सालन तैयार हो गया है। और अम्मी जरा गर्मी का सुनाए। गर्मी लहे आज आपको पसीना थोड़ा कम है? कम कह नहीं, बाद से एक बैठा नहीं ना। तो वैसे कल से तो कुछ कम है ना, कल के मुझे खाटे हवा है। और अभी देखें तंदूरी भी गर्म हमने की है और वैसे भी गर्मियाँ हैं, तो बस 6-7 रोटियाँ तो लग जाती हैं। अभी अम्मी देखें मिनट में सारी रोटियाँ लगा देंगी। तो आज जो है ना किचन में हम नहीं बैठेंगे, बाहर चटाई बिछाते हैं, तो खाना जो शाम का वहीं पे खाएंगे। मैं जाती हूँ अभी ठंडा पानी बना लूँ और चटाई जो है वो भी बिछा लूँ, तो अम्मी जब तक सारी रोटियाँ कंप्लीट लगा लें। अम्मी हमारी वो तंदूरी की जो है ना ख़राब, इस पे रोटी कच्ची होती हैं। देखें एक रोटी जो है वो पकने वाली है। तो अब जो है ना ये फुल पक जाएंगी। वैसे हमारी तंदूरी भी ख़राब हो चुकी है, तो जैसे ही घर बनवाएंगे किचन नया बनवाएंगे तो फिर तंदूरी भी नई लगाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रोटी बन रही है। तो अभी दूसरी रोटी बन रही है। अम्मी की तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जब से मुझसे भी छोटी थी तब से रोटियाँ लगाना स्टार्ट की, तो इतना एक्सपीरियंस है। ये माशाल्लाह से रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनाती हैं। और चटाई जो है वो मैंने बिछा दी है और ठंडा पानी जो है वो बना लेती हूँ। सालन भी यहीं पे ले आती हूँ देखती समेत और सारी रोटियाँ भी सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। अम्मी भी थक गई हैं तो फिर जो है खाना साथ में खाएंगे। बर्तन ले आते हैं जिसमें सालन डालने के लिए, बाकी सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इकट्ठा कर लिया।
है, सालन जो है वो डाल देते हैं। देखती ब्लैक है ना, चटाई पे नीचे ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैंने नीचे पत्ता नहीं कर रखा है। फरहान आ जाओ बैठ जाओ। फरहान ने भी देखे मशाला से नहा के कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये लो फरहान को, माशाल्लाह से आज का जो सालन हमारा है वो बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। और यहाँ पे चटाई बिछा के तो हमने छोटा सा एक दस्तरखान लगाया है, क्योंकि सारे सामान हमने यहीं पे रखा है। तो किचन में भी जगह बहुत कम है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जहाँ पाए पे जो है ना वो थोड़ा चिमटे जो है ना वो चढ़ जाती है, फिर उधर उस पर खाना खाएँ। दिन को हम दोपहर के खाना खाते हैं ना, तो रोज़ाना अब उनके ऐसे ही रूटीन बन गया, वो चढ़ देती है ऊपर वो खुशबू की वजह से। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आज है ना चटाई बिछा लेते हैं और आराम से बैठकर खाना खाएंगे। तो आप लोगों से भी वीडियो शेयर कर दी, तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आप लोग को बाहर का व्यू दिखाएंगे। तो देखें बादल भी आसमान पर फिर दोबारा से आ गए हैं और हवा भी माशाल्लाह से अच्छी हल्की हल्की चली हुई है आज, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है हमने खा लिया है और शाम भी हो गई है, तो अंधेरा भी हो रहा है, कैमरे का रिज़ल्ट भी साफ़ नहीं आएगा, तो वीडियो का भी करते हैं एंड। पीछे डॉग की आवाज़ आ रही है, देखिए सामने। अब तो काफ़ी डॉग हो गए हैं हमारे यहाँ पे इलाके में, पहले कम थे, एक दो थे। हमारा खुद का भी एक तो मर गया था, दूसरा है, और बाकी काफ़ी सारे रात को इकट्ठे हो जाते हैं, सहन के अंदर आ जाते हैं सारे। और जो ना एक बार आए थे रात को, तो फिर जो ना लड़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डर लगा था हमें। तो अब जो है ना हमने शुक्र है दरवाज़े वगैरह लगा लिए हैं, तो अब नहीं आते, पिछले साल आते थे जब हम बाहर चलते थे। तो अभी चलते हैं और बाकी जो कुछ काम रह गया, चाय वगैरह बनाएंगे और दूध जो है वो भी बॉयल करेंगे शाम को, क्योंकि शाम को भी अब हमारी भैंस का दूध होता है, तो फिर जो है ना दूध बॉयल करना पड़ता है। और चाय भी फिर अम्मी जो है ना वो बना लेते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है चाय पीने का। तो उम्मीद है आज का व्लॉग भी आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। और सब्सक्राइब जो नहीं करते तो उनसे ही रिक्वेस्ट कर लिया करें और मेरे सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करवाएं, जैसे मैंने आप लोग को कहा है कि इसे एक महीने के अंदर तो आप लोगों ने 30 के सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवाने हैं, तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह सेलिब्रेशन ज़रूर होगी। तो वीडियो के आखिर में मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाई के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।